हम लोग कर रहे हैं सफाई का काम। बीटू भी सफाई का काम कर रहा है ना? इधर 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 बाबा, इधर 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 बीटू भी सफाई का काम कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? तो आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ना, तो हम लोग भी ना तो हम लोग भी ठीक ठाक है। उपम जोट मना ब्लॉग का और एक नया ब्लॉग में आप लोगों को सभी को स्वागत करते हैं दही दिल से, और ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग ना थोड़ा सफाई का काम कर रहे हैं, काम चालू करेंगे बोल के कुछ मतलब, तो इसलिए अभी ये सब इतना जंगल है ना, फिर भी अभी क्या कर सकते हैं। अभी हाजिरा लगाने से पैसा लगेगा, पैसा तो नहीं है। बेटा रोने लगा फिर, ये सब आग लगाना पड़ेगा। इवनिंग को थोड़ा ये सब क्लीन करेगा, थोड़ा साफ करेगा, पानी पीने लेके आई हूँ। उसका पापा का छुट्टी है तो मैं अभी घर चली जाऊंगी। बाबू को दूध पिला के सुलाना है, उसको भी नींद आ रहा होगा। ओ पूरा वो मैं तो थक गई लग रही है ना बाबा, यही मेरे को ना दूसरे का काम पसंद ही नहीं होता है। कैसा क्या करेगा बोल के, खुद का काम खुद ही करने से पसंद लगती है। कोई भी काम मतलब जो काम हम नहीं कर सकते वो अलग बात है, करने वाला जो मतलब वो खुद से करना है अच्छा लगता है। तो ये करता रहेगा, अभी मैं चली जाती हूँ उधर काम कंप्लीट करती हूँ, वो आएगा फिर खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्या बनाते हैं आप लोग वो भी शेयर करेंगे, तो अभी चलते हैं। और बीटू देखिए इधर चला जा रहा है, इधर गड्ढा है, कुआ का प्रॉब्लम, डर लगती है। तो फ्रेंड्स मैं ये रितुलो का खेत से ना ये धनिया और ये प्याज का ही पौधा और ये टोमेटो, इसका मैं चटनी बनाऊंगी। और ये दिखाया था आप लोगों को मैंने, ये हम लोग थानकुनी पाता बोलते हैं, तो इसका चटनी बनेगा अभी। तो इसको मैं अच्छे से धो के क्लीन कर दूँ लिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि आज जल्दी करना पड़ेगा, हस्बैंड घर पे है तो खाना वाना बनाना पड़ेगा। ये बाबू देखिए सो रहा है, उसको आके सुला दिया, फिर मैंने काम किया। चावल मेरा हो चुकी है और इसमें मछली फ्राई करके रखा, तीनों ही था, सब्जी वगैरह काट के रख दिया है यहाँ पर। तो अभी जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो आप लोगों के साथ दिखाते भी है। तो इसमें मैं मिर्ची भी ऐड करूंगी, इतना सा मिर्ची ऐड किया है। ये भी सब्जी काट करके रखा है, इसमें सालगम आलू और मटर। तो चटनी जो बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो देखिए इसका एक चटनी बनेगा, तो जल्दी से क्लीन करके आप लोगों को शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने धोके क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं। तो अभी इसको मैं छोटा छोटा काट करूंगी, उसके बाद ही पीसूंगी मैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो काट कर लिया छोटा छोटा, अभी मैं पीसूंगी अच्छे से। तो मैं सब्जी बिठा दी हूँ, तो ये मैंने प्याज दे दिया, तो इसमें बाबू के लिए भी रखेंगे तो मसाला वगैरह बाद में देंगे। तो प्याज का कलर आ चुकी है देख सकते हैं। तो अभी मैं सब्जी को डाल दे रही हूँ, ये मटर और इसका, तो नमक मैंने डाल दिया, तो हल्का सा अभी नमक मैंने दे दिया। तो मैं अभी ढक्कन लगा के ढक देती हूँ, पहले इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। तो और मैं इधर में मसाला ये वगैरह पीस ली, और मसाला भी पीसना पड़ेगा इसके लिए। तो ढक्कन मैंने लगा दिया है, तो मैं चटनी अभी पीस रही हूँ, देख सकते हैं। टोमेटो ले लिया, थोड़ा थोड़ा नमक डाल के मैं कर रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि नहीं तो मतलब लेट होता है। नमक देने से ना जल्दी आसानी से पीसने के लिए आसान होता है, तो इसलिए हल्का हल्का सा नमक डाल के मैं पीस रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरा अभी होने वाला है मतलब कंप्लीट। तो फाइनली चटनी बन के रेडी हो चुकी है, तो अपने स्वाद के अनुसार कोई चाहे तो इसमें हल्का सा ऑयल डाल के खा सकते हैं, और थोड़ा सा नमक मैं ऐड करूँगी इसमें, हल्का सा नमक, तो बहुत ही ग्रीन टेस्टी टेस्टी यामी यामी देख सकते हैं। तो बहुत दिन से मेरे को मन था, तो इसलिए मैंने बनाया, ये रितु लोगों का खेत से लेके आई हूँ मैं देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर हुआ है। तो अभी इधर मैं सब्जी देख रही हूँ, सब्जी अभी मेरा मतलब 70% पक चुकी है, तो इसमें मतलब मसाला बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि बाबू के लिए थोड़ा सब्जी रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा करके कितना बनाएंगे, टाइम भी नहीं मेंटेन होता है। तो फ्रेंड्स ये सब्जी मेरा देखिए, इसमें मैंने मसाला ऐड ही नहीं किया, यहाँ पर ये बाबू के लिए रखूंगी मटर और आलू, और ये जो है क्योंकि बाबू के लिए भी एक्स्ट्रा सब्जी बनाना पड़ता है तो झमेला हो जाता है, तो इसलिए मैं यहीं से रख रही हूँ बाबू का सब्जी, तो उसको भी थोड़ा अलग अलग खाना खाने के लिए मिल जाएगा। तो देते हैं अभी ये मछली और मसाला। तो सब्जी हो ही गया है, देखिए मैंने एक कच्चा वाला मिर्ची ऐड किया ना, तो इसमें हम लोग मसाला वगैरह ना पैकेट वाला नहीं खाते, तो पीस के खाते हैं, पहले भी दिखाया आप लोगों को, तो इसमें कलर ऐसा ही आया है थोड़ा। तो अभी मैं घर वर क्लीन कर लिया, झाड़ू लगा रही हूँ मैं। फाइनली मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। खाना बना तो रेडी हो चुकी है, तो हस्बैंड को वेट कर रही हूँ, उसको कॉल किया तो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो अभी मेरा काम खत्म हो गया, तो अभी क्या करेंगे, वो आएगा खाना बना खाएंगे फिर देखते हैं। तो मेरा हस्बैंड खाना खा रहा है, चटनी खाया है, कैसा लगा बोलो ना, अच्छा लगा ना कि नहीं?
ये खुद लेके खाना है, बिटुआ इतना मोबाइल का ध्यान है ना। देखिए अब बिटुआ का मैं खाना दे रही है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में पेन कर रही हूँ, आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएगा, और आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक नहीं देते, तो प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, और भी इससे अच्छा अच्छा वीडियो हम लाएंगे आप लोगों के लिए। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में देख रहे हैं तो, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो पेज है फेसबुक का उसको थोड़ा फॉलो कर दीजिए। तो टाटा, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ, लव यू ऑल।